बिसमीम्स स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे बी एस अप्लाइड साइकोलॉजी सेमेस्टर वन का पेपर पैटर्न जिसमें जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके बी एस के अंदर आपके पेपर कैसे आता है तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की तरफ से फ़र्स्ट सेमेस्टर का 2017 का पेपर पैटर्न जो अभी भी 2021 में भी सेम यही है इसके ये एग्ज़ामिनेशन बी एस फोर ईयर प्रोग्राम का है और ये जो आपका पेपर होता है बी एस अप्लाइड साइकोलॉजी का उस पेपर का जो सब्जेक्ट का नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और इसका जो कोर्स कोड है वो है ए पी एस वाई ट्रिपल वन ए इस इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के लिए जो टाइम अलाउड होता है आपको जो पेपर के लिए टाइम दिया होता है आपने जिस जितने टाइम में पेपर करना आता है वो होता है थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एम का पेपर दिया जाता है मारूजी पेपर जो आपने सिर्फ तीस मिनट में हल करना होता है और इसके मार्क्स कितने हैं टेन यानी कि इसके अंदर एम सी क्यूज के जो क्वेश्चन हैं वो भी टेन ही होंगे हर क्वेश्चन uh, एक नंबर का होता है तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि uh, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव uh, टाइप के पेपर में क्या क्या है उन्होंने कहा है अटैम्प्ट दिस पेपर ऑन दिस क्वेश्चन शीट ओनली उन्होंने कहा है ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर इसी के ऊपर ही इसी क्वेश्चन के ऊपर आपने सॉल्व करना है इसके अलावा आपको कोई बबल शीट या कोई आंसर शीट नहीं दी जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप नोट है अटैप्ट ऑल क्वेश्चन एंड क्वेश्चन पेपर ऑल क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन पेपर सारे क्वेश्चन आपने क्वेश्चन पेपर पर सॉल्व करने हैं कटिंग कोई आपने कटिंग वगैरह की हो वो नहीं अलाउ होगी अ डबल मार्किंग एंड अदरवाइज इज नॉट अलाउड एंड विल बी कंसीडर्ड एज मिस्टेक अगर आपने कोई कटिंग की होगी या अगर आपने दो ऑप्शंस पर कोई दो ऑप्शन टिक किए होंगे या एक पर टिक किया दूसरा कट किया है तो वो आपकी गलती समझी जाएगी उसके कोई मार्क्स नहीं लगाए जाएंगे तो आपने ध्यान से अपना एमसीक्यूस पेपर सॉल्व करना है अब क्वेश्चन वन है जो एम सी क्यूज का क्वेश्चन वन होता है वो है इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन टेन मार्क्स आपने को ये एक ऑप्शन पर चारों में से एक ऑप्शन पर सर्कल uh, करना है क्वेश्चन नंबर मैं आपको साथ में क्वेश्चन पढ़ के दिखा देती हूँ uh, शायद आपको इसे आप, uh, आपके लिए आसानी भी हो जाए अंदाजा भी हो जाए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं नंबर वन है साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज एम सी क्यूज ए scientific study of the mind and behavior b scientific study of behavior c scientific study of brain d study of mind only first mcq number two hai, retinal disparity is the dash q a monocular b binocular c uh, convergence d trich uh, trichromatic और क्वेश्चन एमसीक्यूज थ्री है डाटा ऑन लार्ज स्केल कैन बी कलेक्टेड थ्रू ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन मेथड ऑप्शन बी है केस हिस्ट्री मेथड ऑप्शन सी है सर्वे मेथड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दबाब और फिर एम सी क्यूज नंबर फोर है जो है पार्ट ऑफ द आई विच आर्स लाइक शटर ऑफ द कैमरा ऑप्शन ए है आयरस ऑप्शन बी है कॉर्निया ऑप्शन सी है कोकलिया ऑप्शन डी है प्यूपिल फिर क्वेश्चन फाइव है एमसीक्यूज नंबर फाइव इन केस ऑफ डिसेप्शन रिसर्चर शुड गिव रिसर्चर शुड गिव द डैश आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिसर्च ऑप्शन ए प्लेज प्लेजरिज्म ऑप्शन बी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑप्शन सी प्राइवेसी ऑप्शन डी है डी ब्रीफिंग उसके बाद है एमसीक्यू न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ डैश सिस्टम ऑप्शन ए है डाइजेस्टिव ऑप्शन बी है नर्वस ऑप्शन सी है सर्कुलेटरी ऑप्शन डी है एक्सीक्रेटरी। उसके बाद है एमसीक्यू सेवन। अल्ट्रिज्म मीन ऑप्शन ए एंटी सोशल बिहेवियरल ऑप्शन बी एग्रेसिव बिहेवियर ऑप्शन सी हेल्पिंग बिहेवियर ऑप्शन डी वायलेंट बिहेवियर अब एम सी है द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वर डन बाय ऑप्शन ए पाल ऑप्शन बी फ्रॉइड ऑप्शन सी स्किनर ऑप्शन डी वॉटसन ये सारे साइकोलॉजिस्ट uh, साइकोलॉजिस्ट के नाम हैं उनमें से आपने एक का नाम बताना है कि एक्सपेरिमेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग पर किसने एक्सपेरिमेंट्स किए अब एमसीक्यूज नाइन है द फादर ऑफ साइको एनालिसिस वाज ऑप्शन ए वाटसन ऑप्शन बी फ्रॉयड ऑप्शन सी स्किनर ऑप्शन डी एडलर अब लास्ट एमसीक्यूज है इन व्हाट टाइप ऑफ स्टडी डज अ रिसर्चर स्टडी इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट इन डेप्थ ऑप्शन ए है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ऑप्शन बी है लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन ऑप्शन सी है केस स्टडी ऑप्शन डी है सर्वे तो स्टूडेंट्स ये था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर जो आपने सबसे स्टार्ट में आ, इसको सॉल्व करना होता है बी एस सेमेस्टर वन का जो पेपर होता है ये असल में सिक्सटी मार्क्स का होता है टेन मार्क्स ऑब्जेक्टिव के और फिफ्टी मार्क्स सब्जेक्टिव के दोनों को प्लस करके सिक्सटी मार्क्स का आपका ये पेपर पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो जाता है तो स्टूडेंट्स अब आपका है फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर जो है सब्जेक्टिव टाइप अब ये सब्जेक्टिव टाइप है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इसके लिए जो टाइम अलाउड होता है जितना आपको इसको सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाता है वो होते हैं टू आवर्स एंड थर्टी मिनट्स दो घंटे दो घंटे और तीस मिनट यानी कि ढाई घंटे इसका कोर्स इसका भी कोर्स कोर्स सेम वही है ए पी एस वाई ट्रिपल वन ए इसके लिए आपको जो मैक्सिमम मार्क्स दिए जाते हैं वो है फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके सब्जेक्टिव पेपर में क्या है दिस पेपर ऑन कि आपने ये वाला क्वेश्चन पेपर आपने ये क्वेश्चन अलग सी, अलग शीट पर आंसर शीट पर जो आपको प्रोवाइड की गई है उस पर आपने सोल्व करना है और ये वाला क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ घर ले जाएंगे सोल्व करने के बाद नोट है अटैम्प्ट ऑन सेपरेट शीट देयर इज नो चॉइस वो कह रहे हैं कि आपने ये वाला क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर आपने सिर्फ सेपरेट शीट पर सॉल्व करने है यहाँ पर और कोई आपके पास चॉइस नहीं है क्वेश्चन नंबर इलेवन है नो नो सॉरी क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन था एम सी uh, वाला और ये है क्वेश्चन नंबर टू गिव शॉर्ट आंसर्स जिसके हैं ट्वेंटी मार्क्स आपने शॉर्ट आंसर सारे सॉल्व करने हैं जिसके ट्वेंटी मार्क्स होंगे जिसमें आपको कोई चॉइस नहीं है ये सारे के सारे सॉल्व करने है. कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नहीं सेवन ये सेवन क्वेश्चन है जिसके ट्वेंटी मार्क्स है आपने ये सारे सॉल्व करने हैं पहला क्वेश्चन है डिफाइन एनी टू सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी जो आपने जो आपको ये टू मार्क्स का दिया हुआ है इसके टू मार्क्स होंगे फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन जिसके दो मा जिसके टू मार्क्स हैं तीसरा क्वेश्चन है बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन ये फोर मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बाद है क्वेश्चन फोर है डिफरेंशिएट बिटवीन रे एनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट ये भी फोर मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट आर दी कॉजिज ऑफ फॉरगेटिंग ये टू मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफरेंशिएट बिटवीन मोटिवेशन एंड इमोशंस ये भी फोर मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर सेवन डिफाइन पर्सनैलिटी ये टू मार्क्स है ये देखिए स्टूडेंट जो आपने डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन है इनके इनके इन्होंने फोर मार्स फोर फोर मार्क्स दिए हैं जो सिंगल उन्होंने पूछा है उसके से टू टू मार्क्स हैं जो ट्वेंटी मार्क्स पर डिवाइड हो जाता है

बी एस सेमेस्टर वन का बी एस अप्लाइड साइकोलॉजी सेमेस्टर वन का क्वेश्चन पेपर बताया जो आपका सब्जेक्ट था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों मैंने आपको बताया तो उम्मीद आपको uh, समझ आ गई होगी तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल मेरे लेक्चर को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फायदा उठा सके थैंक यू फॉर अल्लाह वॉचिंगाफिज